नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। भारत आजादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहा है। देश में 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। इस दौरान हर घर तिरंगा और तिरंगा मेरा अभिमान महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है और शहर शहर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में शाजापुर, हरदोई, मैनपुरी में तिरंगा यात्रा निकाली गई। शाजापुर, हरदोई, मैनपुरी सभी जगह त्योहार मनाया जा रहा है आजादी का। आजादी के पर्व पर 75 साल पूरे होने की खुशी में ये त्योहार मनाया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान, तिरंगा मेरा अभिमान, इस तरीके के कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। हमने ये कंपेन इससे शुरू करा है कि हम हर घर में तिरंगा लगाएंगे और मोदी जी को सपोर्ट करेंगे। सब लोग इसको सपोर्ट करेंगे और हम जितनी कोशिश हो सकती है हर घर में तिरंगा लगाएंगे। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब अपने घर में तिरंगा लगाएं। और हमने यही हर घर तिरंगा का कंपेन के साथ में यहाँ पे तो हमारी गवर्नमेंट ने हर घर तिरंगा का नारा शुरू किया है। उसी में हमारे स्कूल ने रैली निकाल के इस योजना में योगदान दिया है। और हम लोग का भी यही नारा, हर हर तिरंगा हर घर तिरंगा। हम लोग ने इस रैली को निकाल के हमारे आसपास के लोगों को अवेयर किया है और सबको बताया है कि अपने घर में तिरंगा लगाना चाहिए। और हमें इस मौके में पार्ट लेने का बहुत हम लोग धन्यवाद करते हैं हमारी सरकार को और हमारे स्कूल को जो हमने रैली निकाल के किया है। आज बड़े गर्व की बात है कि हमारा शासन प्रशासन सभी लोग अमृत महोत्सव के रूप में आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं। और उसके अंदर हमारे बच्चों ने भी अतुलनीय योगदान दिया है। उन्होंने कल लगभग 1200 बच्चों की रैली बिना किसी दिक्कत परेशानी के यहां से शहीद उद्यान तक जाना और फिर वहां पे एक इन्होंने प्रोग्राम प्ले किया और वहां से लौट के वापस आए। यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय ने उन बच्चों का उत्साहवर्धन किया, जिसके लिए हम उनके भी आभारी हैं। आज़ादी के महोत्सव का जो कार्यक्रम चल रहा है 11 अगस्त से 17 अगस्त तक, उसी के तहत आज पुलिस बल द्वारा तिरंगे के साथ पूरे शहर का भ्रमण किया गया है और मार्च करके जनता को दिखाया गया है कि वाकई हमारे आज़ादी का 75वां साल है, जिसके लिए हम सभी गौरवान्वित हैं। और बहुत ही अच्छा शो रहा। हायर सेकेंडरी स्कूल से मैंने ये रैली निकाली है और हमारे ग्रामवासियों से मेरा ये कहना है कि 15 अगस्त जो है शांति पूर्वक सभी मनाएं और अपने देश को आगे बढ़ाएं। आज विद्यालय में एकता के ऊपर विद्यालय की रैली निकाली और भव्य रैली निकाली। हम लोगों ने यहाँ से रैली को प्रारंभ किया और नवीनगंज कस्बा में होते हुए ये रैली आगे बढ़ाई और शांत सद्भाव का परिचय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीते कुछ हफ्ते में देश ने खेल के मैदान में दो बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन के साथ साथ देश ने पहली बार चेस ओलंपियाड का भी आयोजन किया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक भी नजर आए। मोदी ने कहा, आप सभी वहां मुकाबला कर रहे थे लेकिन यहां करोड़ों भारतीय रात जाग कर आप सभी का खेल देख रहे थे। देर रात तक आपके हर एक्शन, हर मूव पर देशवासियों की नजर थी। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग लगातार नजर बनाए हुए थे खेल पे और खिलाड़ियों के प्रदर्शन का अपडेट भी ले रहे थे। हॉकी में जिस प्रकार हम अपनी लेगेसी को फिर हासिल कर रहे हैं, उसके लिए मैं दोनों टीमों के प्रयास, उनकी मेहनत, उनके मिजाज, उसकी बहुत बहुत सराहना करता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। पिछली बार की तुलना में इस बार हमने 4 नए खेलों में जीत का नया रास्ता बनाया है। आपकी भी प्रेरणा शक्ति तिरंगा है और तिरंगे की ताकत क्या होती है ये हमने कुछ समय पहले यूक्रेन में देखा है। तिरंगा युद्ध क्षेत्र से बाहर निकलने में भारतीयों का ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के लोगों के लिए भी सुरक्षा कवच बन गया था।
राजधानी लखनऊ में अमृत महोत्सव पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस आयोजन में वीरों के सम्मान में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि वीरों ने बलिदान देकर देश को आजाद कराया और अनेकों बलिदान के बाद देश को स्वतंत्रता मिली है। आजादी का यह अमृत महोत्सव 75 वर्ष की हमारी इस यात्रा के आत्मावलोकन का एक अवसर हम सबको प्रदान कर रहा है, जिसमें आजादी की लड़ाई के दौरान भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए अपने आप को बलिदान करने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं किया। एक लंबी लड़ाई के बाद जब देश 1947 में आजाद हुआ तो वही प्रेरणा और वही प्रकाश हम सब के लिए स्वतंत्र भारत में एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए आज अमृत महोत्सव के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। आगरा में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर पूरे देश के लोगों में एक अलग उत्साह देखा जा रहा है। इसी कड़ी में न्यूरोफिजिशियन के प्रसिद्ध डॉक्टर नरेश शर्मा ने भी अहम जिम्मेदारी निभाई। डॉक्टर नरेश शर्मा की ओर से दिल्ली गेट मधुबन प्लाजा पर स्थित डॉक्टर नरेश शर्मा क्लिनिक पर आए मरीजों को तिरंगा झंडा और लड्डू बांटे गए। इस दौरान प्रसिद्ध न्यूरोफिजिशियन डॉक्टर नरेश शर्मा ने कहा कि तिरंगा झंडे से हमारी पहचान है। देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर आज हमने क्लिनिक पर दिखाने आए सभी मरीजों को तिरंगा झंडा और मिठाई वितरण का काम किया है। 15 अगस्त तक हम सभी मरीजों को तिरंगा झंडा और मिठाई वितरण का काम करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो घर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है उसको कामयाब करना हमारा मकसद है। यूपी के अंबेडकर नगर से बेहद चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां फर्जी एसटीएफ बनकर आलोक तिवारी नाम के युवक को लड़की सप्लाई करने का कथित आरोप लगाकर युवक को जबरन गाड़ी में बैठाकर उसके साथ मारपीट की गई और पहले से ही फर्जी एसटीएफ की गाड़ी में बैठे लड़की के साथ आपत्तिजनक तस्वीरें भी ली गई। पीड़ित आलोक तिवारी का कहना है कि 3,000 नगद और सोने की चेन ले ली गई, इसके अलावा 3 लाख रुपए की डिमांड भी की गई है। इस मामले पर एसपी से पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई। नहीं आई थी, एक एप्लीकेशन आई है इस तरीके की, इसकी तहकीकात इंस्पेक्टर कोतवाली द्वारा की जा रही है। प्रतिपक्षी की तरफ से भी एक दरखास्त दी गई है जिसमें एक नाबालिग लड़की ने एप्लीकेशन दी है, जिसमें कि ये जो उठा जिनको उठाया जाने की बात आ रही है उनके खिलाफ दरखास्त दी है। ये दोनों मामलों की जाँच कोतवाली के इंस्पेक्टर को दे दी गई है। इंस्पेक्टर कोतवाली इसकी जाँच करके देख रहे हैं, जो इसमें सत्य होगा वही कार्रवाई होगी, जो कोई इसमें गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं चौराहे पे खड़ा था, ये ब्लू स्कूल के बगल में 50 नंबर ट्यूबुल के पास वाइट कलर स्विफ्ट गाड़ी आई हैदराबाद की अकबरपुर की तरफ से, उसके बाद मेरे पास रुकी, मुझे बुलाए तो हमने सोचा कोई संबंधी है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो पीछे से एक लोग सिपाही वर्दी पहने थे, वो हमें तुरंत गाड़ी में बैठा लिए। गाड़ी में बैठाने के बाद अकबरपुर की तरफ गाड़ी घूम गई, उसके बाद हमसे पूछे आप सेक्स रैकेट चलाते हो, लड़कियों को सप्लाई करते हो? हमने कहा सर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद हमको मारने पीटने लगे, उसमें एक लड़की भी उस समय गाड़ी में बरामद थी, उनके साथ ही थी, और उन्होंने बताया मैं एसटीएफ से हूँ, और एक लोग दोनों सब लोग हमको मारने पीटने लगे, उसके बाद पूछा आगे ले गए, उसके बाद लड़की के साथ हमारी थोड़ी वीडियो बनाए, उसके बाद मारने पीटने के बाद मैंने कहा सर इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, उसके बाद लेके आए, हमसे पैसे की डिमांड किए, हमारा चैन ले लिए, हमारी मोबाइल दोनों ले लिए, मारे पीटे, उसके बाद हमसे 3 लाख रुपए डिमांड किए, तो हमने कहा सर इतना पैसा मैं तुरंत कहाँ से लेके आऊँ। औरैया पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने अवैध असलाह बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। साथ ही असलाह बनाने में प्रयुक्त उपकरणों सहित 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों के पास 3 देसी तमंचे और अर्ध निर्मित तमंचे भी बरामद हुए हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जनपद में शांत व्यवस्था बनाए रखने के चलाए जा रहे इनामिया वांछित एवं जिला बदर डिस्ट्रीब्यूटरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत
दिनांक 12/8/2022 को थाना पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री बनाने वाले अभियुक्त गणों को मै शस्त्र फैक्ट्री रघुनाथ मोड़ मोड़ के पास आम के बगिया में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। खबर बिजनौर से है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे। किसानों की समस्याओं को लेकर महापंचायत हुई। गन्ना भुगतान, बिजली मीटर और अग्निपथ योजना के खिलाफ किसानों की महापंचायत हो रही है। राकेश टिकैत अपने हजारों समर्थकों के साथ सड़क पर प्रदर्शन करने पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए धरने पर बैठे। गन्ना भुगतान का इशू है, बिजली की समस्या है, कुछ सरकार कानून लेकर आ रही है, एक बिजली का भी ले आई, बिजली अपॉइंटमेंट बिल जो 13 महीने आंदोलन चला उसमें मैंने गारंटी के नहीं जाएगी, लेकिन वो नहीं आई, इससे बिजली और ज़्यादा महंगी और सरकार कह रही है कि बिजली फ्री देंगे किसान को, मीटर लगाने की बात कर रही है। जम्मू के राजौरी में हुए सेना के बेस कैंप पर आतंकी हमले में शहादत को प्राप्त हुए मनोज भाटी का पार्थिव शरीर फरीदाबाद पहुंचा, जिनकी अंतिम यात्रा में फरीदाबाद और आसपास के हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान सभी ने अपने हाथों में देश का राष्ट्रीय ध्वज लिया हुआ था और देशभक्ति के नारे लगा रहे थे। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा, पूर्व विधायक टेक चंद्र शर्मा, विधायक नैनपाल रावत ने शिरकत की और शहीद मनोज भाटी को अंतिम विदाई दी। देख रहे हैं मनोज भाटी की अंतिम यात्रा में लोगों का जो सैलाब है वो बता रहा है कि शहीदों के प्रति इस देश के लोगों में कितना सम्मान है। पर मनोज भाटी अमर हो गए हैं, जब तक ये पृथ्वी और आकाश रहेगा तब तक मनोज भाटी का नाम रहेगा। माँ भारती के अच्छे वीर सपूत हमारे बीच में नहीं रहे, वो इस बात का हमें दुख है, परंतु गर्व इस बात का है कि इस भारत की आन वान शान के लिए, भारत के तिरंगे के लिए, अपने साथियों की रक्षा के लिए उन्होंने जो अपना प्राण नौछावर किए हैं। सागर का सार्वजनिक प्रदेश का मनोज भाटी जो राजपूत राइफलमैन में था, जो शहीद हुआ और साजापुर गांव का बेटा है फरीदाबाद जिले से, मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह के वीरों की कार खातिर, ऐसे नौजवानों के खातिर। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर पहुंचे, जहां नकवी ने कहा कि देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है और ये अभियान देश के लोगों को अपनी स्वर्णिम विरासत और इतिहास से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नकवी ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। इस दौरान नकवी ने तांडा में बहुउद्देश्य भवन, महिला हेल्थ केयर, खेल मैदान, अमृत सरोवर का उद्घाटन किया और उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के कार्यालय का भी उद्घाटन किया। खबर प्रयागराज से है, जहां आजादी के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी संगम नगरी पहुंची। इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद स्मृति ईरानी अपनी गाड़ी से उतरकर स्कूटी पर सवार होकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क पहुंची, जहां केंद्रीय मंत्री के साथ बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी और बीजेपी सांसद केसरी देवी पटेल भी मौजूद थी। पीढ़ियां भी शामिल हुई, समाज की ये चार पीढ़ियां एक ऐसे मैदान में उपस्थित हुए जिसकी माटी बलिदान का प्रतीक है, इसलिए आज ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के चरणों में मस्तक झुकाकर उनसे ये आशीर्वाद मांगा कि अमृत काल में भारत राष्ट्र को गौरवान्वित करने वाले हर संकल्प को पूरा कर सके। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं